भागलपुर नगर निगम में नई सरकार का गठन हुए 6 माह से अधिक का समय बीत गया, लेकिन शहर के अधिकांश वार्डों में पानी और सफाई की समस्या गंभीर बनी हुई है, जिसको लेकर हमेशा विवाद होता रहता है। दरअसल शुक्रवार को वार्ड संख्या 50 और 51 के लोगों का नगर निगम प्रशासन की कार्यशैली पर आक्रोश भड़क गया, जिसके बाद मानिकपुर इलाके के लोगों ने नगर निगम कार्यालय का घेराव कर दिया। आक्रोशित लोगों का कहना था कि उनके वार्ड में पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। हीट वेव के दौरान भी मोहल्ले वासियों को पानी के लिए त्राहिमाम झेलना पड़ा था। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि मानिकपुर का इलाका काफी बड़ा है, जहां लगभग 700 से 800 के बीच लोगों की आबादी है। पानी जीवन का मूल आधार है और पानी ही नहीं मिले तो लोग क्या करेंगे। लोग इतने आक्रोशित थे कि उन्होंने नगर आयुक्त कार्यालय का घेराव कर अपनी मांगों को रखा। हालांकि इस दौरान थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। हंगामे की सूचना मिलते ही सिटी मैनेजर विनय प्रसाद यादव ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराने का प्रयास किया, जबकि उपनगर आयुक्त ने जल्द इस मसले को सुलझाने का आश्वासन दिया। लोगों ने कहा कि पिछले एक हफ्ते से पानी की किल्लत तो और भी ज्यादा बढ़ गई है, लोग दूसरे मोहल्ले में जाकर पानी भर रहे हैं। वार्ड 51 के पार्षद प्रतिनिधि शशि मोदी ने बताया कि मानिकपुर वासियों को पानी की किल्लत लंबे समय से झेलनी पड़ रही है। दरअसल मोटर में खराबी होने के कारण पानी लोगों के घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने कहा कि निगम अधिकारियों से बातचीत हुई है और एक हफ्ते के भीतर मोटर ठीक करा दिया जाएगा और लोगों को फिर से पानी मिल सकेगा। मौके पर काफी संख्या में वार्ड 50 और 51 के महिलाएं एवं पुरुष मौजूद रहे। वार्ड 50 और 51 स्थित जो है मानिकपुर दुर्गा स्थान में एक स्टेट बोरिंग था, वो 2.5 महीना पहले किसी कारणवश मोटर जल गया। मोटर जलने के उपरांत वो मोटर को लाया गया, फिर से जो वहाँ डाला गया, मगर उस बीच में बोला गया कि उसमें मोटर का जाला फंसा हुआ है। अनुभवी कर्मचारियों के द्वारा ना वो जाला निकाल के नया कर्मचारी को भेज के उस जाला को निकालने की कोशिश किया, जो और बर्बाद हो गया है, जिसके कारण जो है 800 घरों को पानी नहीं मिल पा रहा है। 4 टैंकर डेली नगर आयुक्त महोदय के द्वारा पानी भेजा जा रहा है, उसी से तत्काल दिया जा रहा है। समस्या देखे यहाँ पे आया गया था वार्ड 50 और 51 में मानिकपुर दुर्गा स्थान में बोरिंग जो है पहले पिछले 2 महीने से खराब है, उसके लिए बहुत एप्लीकेशन सब यहाँ दिया गया तो कोई सुनवाई नहीं की गई थी, तो बोला था कि 20 तारीख तक सही हो जाएगा, नहीं होने के कारण हम लोग इस मतलब सब भीड़ लेके जुड़े हैं। हम आज नगर निगम में आए हुए हैं सर के बात करने के लिए नगर आयुक्त से। वार्ड नंबर 50 के जनता हैं, एक हमारी डीप बोरिंग थी, कुछ दिनों से जो है सो डीप बोरिंग में लेयर करीब करीब भागलपुर नगर निगम में 35 फीट लेयर जो है सो डाउन किया है, उसको लेकर के हमारा जो है उसमें मोटर जो है सो फंस गया था, जिसको हमारा टेक्निकल टीम गया था, उससे मोटर जो उसमें फंसा ना वो निकासी नहीं हो सका और लेयर के नीचे चले जाने के वजह से वो बोरिंग काम नहीं कर रहा था। उसको अब जो है पुनः जो है सो लेयर उसमें उपलब्ध हुआ है। यहाँ पर ही पानी की समस्या हो रही थी जनता के, जिसे हमने टैंकर के द्वारा निर्बाध रूप से जो है से पानी जनता को हम लोग दे रहे थे। इस पर जो है टेक्निकल टीम भी गई थी, हम लोग भी देखने गए थे। पुनः लेयर जो आया है उसे जो है पुनः हम लोग मोटर डाल करके उसको तत्कालिक रूप में देखेंगे, अगर पानी चलता है तो उसको हम लोग जनता को पानी देंगे। पुलिस जिला नौगछिया में 2 माह पूर्व हुए पेट्रोल पंप कर्मचारी से लूट मामले में नौगछिया पुलिस ने 3 बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। लूटकांड की घटना का खुलासा एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए एसपी ने कहा कि पकड़े गए अपराधी की पहचान स्पर्श अनुराग, प्रियांशु कुमार और शुभम कुमार के रूप में की गई है। ये सभी बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं। एसपी ने बताया कि चारों आरोपी सिलीगुड़ी से छुट्टी मनाकर पजेरो गाड़ी से घर लौट रहे थे, तभी उनकी कार में डीजल खत्म हो गया। इस कारण सभी ने विचार कर लूट की घटना को अंजाम दिया। सबसे पहले पजेरो गाड़ी लेकर तेल भरवाने पंप पर पहुंचे और टंकी फूल करवा कर एवं पंप के कर्मचारी को चाकू का भय दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने घटना में शामिल 3 आरोपित को गिरफ्तार किया है। स्पर्श अनुराग पटना के फेमस होटल लेमन टी में सेफ का काम करते हैं, जबकि प्रियांशु सीए की पढ़ाई करता है। वहीं शुभम ठगी का काम करता है।
पूर्व में भी वह ठगी के मामले में जेल जा चुका है। पुलिस ने आरोपियों के पास से डकैती की घटना में प्रयुक्त पजेरो गाड़ी, लूटा गया एक वीवो कंपनी का मोबाइल, 2 एंड्रॉयड फोन एवं एक एप्पल कंपनी का आईफोन बरामद किया है। बरामद गाड़ी में भाजपा का झंडा लगा होने की बात पर एसपी ने कहा कि लूट के समय गाड़ी में किसी पार्टी का झंडा था या नहीं, ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। हमारा मकसद लूट की घटना का उद्भेदन करना था। घटना काफी गंभीर था, एनएच पे हुआ था। घटना कहीं भी घटती है लोग पूरा गंभीरता से लेते हैं। एसआईटी गठन भी किया गया था, लगातार एसआईटी अपना काम भी कर रही थी। उस तकनीकी साक्ष्य में मिला, कुछ क्लू मिला, फिर उसी के आधार पर सत्यापन के लिए हम जो इस कांड के आईओ हैं थाना पर, ये एसआई सीधा रमानी और उसे थाना पर जो शिव बदभूषण है और डीआईओ की टीम लगातार इसको फॉलो करते रही। और ये दो टीम बना करके भेजा भी, एक पटना गया था टीम, एक टीम हजारीबाग गया था। हजारीबाग में वहाँ से जो मेन इसका लड़का था वो शुभम को हम लोग ट्रेस किए, लोकेट किए, उसे पूछताछ करना शुरू किए। तो पूछताछ करने में बताया गया कि ये जो लूटेड मोबाइल है वो किसी को दिया था, उसे भी बुलाया गया, बोला हाँ हमें इस शुभम ने 5,000 में मोबाइल बेचा है। जिसको मोबाइल बेचा है वो उसका अपना मोबाइल का दुकान है हजारीबाग में। उसके बाद फिर इसकी निशानदेही पर कौन कौन टीम में था और कि फोटो से हम लोग पहचानने पा रहे थे, तो बताया कि 2 लड़के और 3 पटना के, 1 हाजीपुर का है और 2 पटना का है। तो एक टीम हमारी पटना में भी कैंप कर रही थी। फिर पटना से स्पर्श अनुराग और जो प्रियांशु है उसकी गिरफ्तारी हुई। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शंकरपुर चवनिया दियारा में कुछ बदमाशों ने मिलकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला सूद के पैसे के लेन देन को लेकर बताया जा रहा है। घायल युवक की पहचान शंकरपुर निवासी 23 वर्षीय रविंद्र कुमार के रूप में हुई है। मामले को लेकर घायल के भाई सहेंद्र मंडल ने बताया कि उनके भाई ने मवेशी का इलाज कराने के लिए पास के ही कांति मंडल से 20,000 रुपया कर्ज के रूप में लिया था। हालांकि पैसे 6 महीने में लौटाने की बात कही गई थी, लेकिन जब उसने सूद समेत 60,000 रुपया लौटा दिया तो कांति मंडल ने दबंगई दिखाते हुए और पैसे देने की मांग करने लगा। पीड़ित के भाई ने बताया कि लेनदार घर पर आते थे और घर वालों से भी अभद्र तरीके से व्यवहार करते थे। एक बार तो उन लोगों ने घर से भैंस खोलकर ले जाने की कोशिश भी की थी। सहेंद्र मंडल ने बताया कि गुरुवार को कांति मंडल अपने 2 सहयोगी धर्म मंडल और कुंती मंडल के साथ आया और उसने रविंद्र की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे वह जख्मी हो गया। घायल युवक के भाई ने बताया कि 20,000 का सूद उन्होंने 60,000 रुपया उसे दे दिया है, मूल रुपये भी बकाया नहीं है, लेकिन कांति और 40,000 रुपया देने की मांग कर रहा है, जिसका विरोध करने पर यह पूरी घटना हुई है। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने नाथनगर थाने में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। कांति मंडल से, हाँ, तो उसके बाद 6 महीना के बाद बोला कि सूद पे पैसा दिए हैं, तो बोला तो फिर उसको दिए 60,000 रुपया दिए, 20,000 का 60,000 दिए, फिर मैं मानने लगा तो फिर भैंसिया खोलने के लिए चल गया। वहाँ से बोल मेरा छोटा भाई बोलने बाजने लगा तो फिर मारपीट किया है मेरा छोटे भाई साहब। क्या नाम है भाई का? रविंदर कुमार। भागलपुर में एक बार फिर वार्ड पार्षद की दबंगई सामने आई है। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 के रहने वाले मोतीलाल साह पिछले 2 वर्षों से जिले के वरीय अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। दरअसल पीड़ित मोतीलाल साह ने वर्ष 2014 में पर्वती स्थित अपने दुकान को वर्तमान पार्षद रंजीत मंडल को 5 सालों के लिए एग्रीमेंट कराकर दुकान भाड़े के लिए दिया था, लेकिन वर्ष 2019 में ही एग्रीमेंट समाप्त हो जाने के बाद ना तो रंजीत मंडल के द्वारा उन्हें किराया दिया जा रहा है और ना ही दुकान खाली कर रहा है। पीड़ित ने बताया कि जब दुकान खाली करने की बात कहने पर पार्षद रंजीत मंडल के द्वारा उन्हें धमकी दी जाती है। पीड़ित ने कहा कि वह अपनी शिकायत लेकर जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक और क्षेत्र के उप महानिरीक्षक कार्यालय के चक्कर
काट चुके हैं, लेकिन आज तक कोई हल नहीं निकल पाया। उन्होंने कहा कि वार्ड पार्षद के द्वारा उन्हें धमकी दी जा रही है कि वह अपनी दुकान को भूल जाए। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि पीड़ित को कब तक न्याय मिल पाता है। मामला क्या हुआ है भाई? 14 से लिया है। कौन? रंजीत मंडल। कौन है रंजीत मंडल? वार्ड कमिश्नर। कहाँ का? पर्वती 13 वार्ड। हाँ, उसका लिया तो क्या हुआ? क्या वह स्क्रीन फैक्ट्री खोला है? हाँ। वह खाली निकल रहा है। क्या कहता है? अब कहता है कि हमारा बाप का है। हाँ। अब आपका नहीं है। हाँ। यहाँ से हमरे भगाता है। आप ही भगाता है? हाँ। मकान आपका? हाँ। और वही कहता है कि हम रहे वार्ड कमिश्नर हो गए। हाँ। अब डीएम तलक नहीं खाली करा सकेगा तो तुम का है रे? मणिपुर के एक गांव में दो जनजातीय महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने और भीड़ द्वारा छेड़छाड़ की घटना पर संसद से लेकर न्यायालय तक देश भर में भारी आक्रोश है। इसी घटना के विरोध में शुक्रवार को भागलपुर नगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा भागलपुर समरणालय के मुख्य द्वार पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि डॉक्टर अभय आनंद ने कहा कि विगत 2.5 महीना से मणिपुर जल रहा है। वहां अराजकता का ऐसा आलम है कि सरेआम महिलाओं को नंगा कर घुमाया जाता है और उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है। लेकिन वहां की डबल इंजन सरकार के मुखिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और स्मृति ईरानी एवं भाजपा के मुख्यमंत्री भीष्म पितांबा की तरह महिलाओं के चीरहरण एवं सील हरण को खामोशी के साथ देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना ने संपूर्ण राष्ट्र को दुनिया के सामने शर्मसार किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा देने और मणिपुर की भाजपा सरकार को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। इस अवसर पर रविंद्रनाथ यादव, अभिषेक चौबे, सौरभ पारिक, पंकज कुमार सिंह, ओम प्रकाश उपाध्याय, मिंटू कुरैसी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। सोशल मीडिया में एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि मणिपुर की महिलाओं को निर्वस्त्र करके उसका जुलूस निकाला जा रहा है और वहां की महिलाओं के साथ जबरन बलात्कार किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि मणिपुर पूरी तरह अराजक दौर से गुजर रहा है। और सबसे बड़ा जो आश्चर्यजनक की बात है वह यह है कि प्रधानमंत्री तब अपनी जुबान खोली जब वहाँ की औरतों का की असमत लूटी जाने लगी। और वह भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सोशल मीडिया को कि उन्होंने जब वहाँ की हकीकत को देश के सामने लाया तब हमारे प्रधानमंत्री ने कहा फिर भी राजनीति की। मणिपुर की घटना की तुलना उन्होंने बंगाल और राजस्थान की घटना से की है। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड में लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण किसानों के धान की फसल बर्बाद हो रही है। भीरपुर पंचायत के किसान विवेकानंद ने बताया कि वर्षा के अभाव के कारण पूरे क्षेत्र में धान की फसल बर्बाद हो गई है जिससे किसान काफी हताश और परेशान हैं। जबकि कमरगंज पंचायत में गंगा के पानी को छोटी सिंचाई नहरों के माध्यम से मोड़कर और लिफ्ट सिंचाई संयंत्र स्थापित करके खेतों को सिंचित करने का प्रयास किया गया था। हालांकि प्लांट के चौकीदार ने बताया कि ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण प्लांट बंद करना पड़ा है जिससे अब किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं खेतों को पानी नहीं मिलने की बात को लेकर सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने स्थिति पर चिंता जताई और मामला विधानसभा में उठाया। उन्होंने फसलों को और अधिक बर्बादी से रोकने के लिए पानी की व्यवस्था की तत्काल व्यवस्था करने की बात कही। इसके अतिरिक्त उन्होंने बिजली विभाग और लघु सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ साथ लघु सिंचाई मंत्री से भी संपर्क कर पानी की समस्या का तुरंत समाधान करने की बात कही जिससे किसानों का फसल बर्बाद होने से बच सके। ये तो मानसून की बात है, बारिश पर मानसून का अधिकार होता है, उसके अनुसार बारिश होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बारिश कम होने के कारण किसानों की जो क्षति होगी उस पर सरकार किसानों को यथासंभव मदद करेगी और
अभी तो हो सकता है कि बारिश आ जाए और किसान गदगद हो जाए, पानी की समस्या नहीं रहे। हम तो यही मनाते हैं कि प्रभु बारिश यहाँ पर ठीक से हो और किसानों को समस्या नहीं हो। कई बार बराबर ऐसा हो रहा है, किसान बहुत सफ़र करते हैं, तो हम लोग उसके लिए बिहार सरकार अनुदान देती है किसानों को। हालांकि अनुदान से कुछ होता जाता नहीं है, लेकिन बारिश पर तो हम लोग का कोई कंट्रोल है नहीं। भागलपुर के पीरपैंती थाना परिसर में शुक्रवार को मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष राजकुमार प्रसाद ने किया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार चक्रवर्ती ने लोगों को शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम पर्व मनाने की अपील की। वहीं थाना अध्यक्ष ने कहा कि असामाजिक तत्वों और उपद्रवियों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। उन्होंने संदिग्ध व्यक्ति की सूचना पुलिस को देने की बात कही है। बैठक में सीओ रणधीर कुमार, जदयू प्रखंड अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता, मुखिया अरविंद शाह, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद कमलेन, ऋषिकी सिंह सहित शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे।